एक ऐसा व्यक्ति जिसे बचपन में कोई पसंद नहीं करता था, जिसका पूरा खानदान ही टकला था, बाप से लेके माँ, माँ से लेके भाई, सबके सब टकले थे उनके घर में। और वो व्यक्ति एक पिज्जा डिलीवरी बॉय से टीचर बना, डॉक्टर भी बना और एक सच्चा देशभक्त भी बना। टकले होने के बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी उपलब्धियां हासिल किया है कि आज लोग उन्हें उनकी परछाई से ही पहचान लेते हैं। ये कहानी है मुट्टलपुर यूनिवर्सिटी के टॉपर जॉनी सिंस की। जॉनी सिंस का जन्म 31 दिसंबर 1978 में उंटोल यूनिवर्सिटी के पीछे वाले गली में हुआ था। जॉनी के पापा को यह शुरू से पता था कि जॉनी अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेगा। जॉनी बचपन से ही बहुत होशियार था और उसे पढ़ने का बहुत शौक था। उसकी इसी इच्छा को देखते हुए उसके पापा ने उसका एडमिशन मुट्टलपुर यूनिवर्सिटी में करवा दिया। जॉनी क्लास का सबसे होशियार स्टूडेंट था और वो हर साल क्लास में अव्वल आता था। जॉनी को ज्ञान लेने का इतना शौक था कि वो अपने आसपास जहां पर भी ज्ञान देखता था वहीं से सारा ज्ञान चाट लेता था। फिर जॉनी के जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसका उसे अंदाजा तक नहीं था। पारिवारिक समस्याओं के कारण जॉनी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ना पड़ा। जॉनी को स्कूल छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जॉनी के पिता इतने गरीब हो चुके थे कि वो उनकी पढ़ाई और आगे तक नहीं करवा सकते थे। गरीबी ने जॉनी को इस तरह से जकड़ लिया था जिसके चंगुल से बचना जॉनी के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन जॉनी ने कभी हार नहीं माना क्योंकि उनके अंदर एक जज्बा था कुछ कर गुजर जाने की। जॉनी अपनी फैमिली की पेट पालने के लिए सुबह लोगों को योगा क्लासेस देते थे, दोपहर को प्लम्बर का काम करते थे, शाम को लोगों के घर घर जाके पार्ले जी बिस्कुट बेचा करते थे। ऐसा करते करते उन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया था जिससे वो अपनी आगे की पढ़ाई आराम से कर सकते थे। इसके बाद से जॉनी एक बार फिर से स्कूल जाने लगे और उसी स्कूल में पार्ट टाइम टीचर का जॉब भी करने लगे। 3 सालों के अंदर उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और खुशी खुशी निकल पड़े एक अच्छी नौकरी की तलाश में। लेकिन किस्मत को उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक मंजूर नहीं था क्योंकि उनको एक बहुत ही खतरनाक बीमारी बवासीर ने जकड़ लिया था। उनकी ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि डॉक्टर्स भी उनका हाल देख के फूट फूट के रोते थे और डॉक्टर्स ने तो ये तक कह दिया था कि जॉनी का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन जॉनी को उसकी बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि जॉनी को यह विश्वास था जब तक बाबा भोसड़ी वाले का आशीर्वाद जॉनी के सर पे है तब तक कोई भी बीमारी जॉनी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। आखिरकार बाबा भोसड़ी वाले का आशीर्वाद काम आया। बवासीर जैसे खतरनाक बीमारी ने भी जॉनी के आत्मबल के सामने घुटने टेक दिए। देखते ही देखते जॉनी बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए और उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर बनके काम करने लगे। जॉनी ने बहुत सारे गरीब महिलाओं के इलाज बिना पैसों के किया है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जॉनी भैया कितने बड़े दिल वाले इंसान थे। लेकिन जॉनी को इस जॉब को करते हुए कोई मजा नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर की जॉब छोड़ दी। उंटोल वाले समझ रहे थे जॉनी की जिंदगी अब बर्बाद है, लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। देखते ही देखते वो एक साइंटिस्ट बन गए। उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला आविष्कार किया जो मानव इतिहास के लिए एक वरदान स्वरूप है। और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि इंसान बिना हेलमेट के भी सेफ ड्राइविंग आराम से कर सकता है, बस बंदे में परफेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए। उनमें और भी कुछ बड़ा करने की इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने चांद पे जाने का फैसला लिया। और वो दुनिया के पहले इंसान है जिसने चांद पे सबसे पहले लौड़ा रखा, जिसके वजह से उनका नाम लौड़ा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जॉनी ने अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, अब वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए वो एक पुलिसमैन बन गए। डाकू वर्जिनिटी नाम के गुंडे से लाखों महिलाओं को बचाया। वो एक फायरमैन बन के बहुत सी आग भी बुझा चुके हैं। अभी वो एक आर्मी मैन है, वो बॉर्डर की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकता है। अभी जॉनी सिंस सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं, खासकर युवा उन्हें अपना आइडल मानते हैं। तो बच्चों ये थी कहानी जॉनी सिंस द वन मैन आर्मी की। तो भैया आज के लिए बस, उम्मीद है कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक करो। तुमने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब भी कर लो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।